योगी सरकार ने प्रदेश के तकनीकी संस्थानों की सूरत बदलना शुरू कर दिया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से कोविड संक्रमण के दौरान छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 2 तकनीकी विश्वविद्यालयों और शासकीय संस्थानों में डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की तैयारी है। इसके लिए AKTU लखनऊ की ओर से 100 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1 दर्जन से अधिक तकनीकी संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सुविधाएं बढ़ाने के लिए 190 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने दिए हैं। कोविड-19 संक्रमण के बाद छात्रों की कक्षाएं संचालित करना तकनीकी संस्थानों की चुनौती बनकर आई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराई गई। वहीं शासन के अनुमोदन के बाद AKTU ने पहली बार छात्राओं की सफल ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन कक्षाओं को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के शासकीय संस्थानों व 2 तकनीकी विश्वविद्यालयों इनमें कानपुर का HBTU और गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय में डिजिटाइजेशन लीड लाइन को बढ़ाने आदि का काम किया जाएगा। इससे छात्रों को और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। साथ ही संस्थानों में छात्रों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार के सहयोग से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने का काम शुरू हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व तकनीकी विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत लखनऊ के फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र आजमगढ़ बांदा मैनपुरी बिजनौर को 10 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नोएडा स्थित UP डिजाइन इंस्टीट्यूट कानपुर का UPTTI को 10-10 करोड़, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज व IIT लखनऊ को 25 करोड़ रुपए, HBTU कानपुर व MMTU गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर 25 करोड़ रुपए से डेवलप किया जाएगा।